नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द इंडिया पोस्ट और किड्स ज्ञान द्वारा आयोजित इस हेल्थ सीरीज में स्वागत है। इस हेल्थ सीरीज में हम अलग अलग अमृत समान चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे तुलसी, गिलोय, हल्दी आदि। इस हेल्थ सीरीज में हमारे साथ होंगे डॉक्टर सर्वेश शर्मा। डॉक्टर सर्वेश जी ने फार्मेसी में PhD की है। इनका एक पेटेंट भी है कि हल्दी कैंसर को कैसे ठीक कर सकती है, और आज का हमारा विषय है हल्दी। तो डॉक्टर सर्वेश नमस्कार, आप कृपया हमें हल्दी के बारे में बताएं। नमस्कार दोस्तों, ये तो हमारे किचन का बहुत ही रसोई का बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि बिना हल्दी के हमारे यहाँ कोई भी खाना बनाना मुश्किल है। कलर के रूप में हल्दी सभी लोग जानते हैं, पीले कलर की हल्दी बड़े गुण होते हैं। बहुगुणी हल्दी को हम चाहते हैं कि बच्चों को कैसे इम्यूनिटी बूस्टर या इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह काम करती है, आज इस विषय पर थोड़ा सा बताएंगे। इसके अलावा हल्दी में बहुत सारे गुण होते हैं, परंतु हल्दी की अपने शरीर को उपलब्धता, मतलब बच्चों को मिल पाए, ये बहुत ज़रूरी है। भारतीय हल्दी में वैसे भी कर्कुमिन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, इसलिए हल्दी को हम अपने खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों, सबसे खास बात है कि हल्दी के हम किस तरह से खाएं, ये एक बड़ा प्रश्न होता है कि हल्दी को खाने में भी कैसे खाएं। भारतीय परंपराओं में हल्दी को घी, तेल या दूध के साथ, गुड़ के साथ, शहद के साथ खाया जाता है, और तब जाकर हमारे शरीर को हल्दी की उपलब्धता होती है। अगर हम इसको वैसे खाएंगे, पानी में मिलाकर खाएंगे, तो उतनी शरीर को नहीं मिलती, इसलिए हल्दी को हमेशा, पहली बात तो गुड़, घी या शहद और तेल में मिक्स करके, दूध में मिक्स करके खाना चाहिए, क्योंकि इसका नेचर होता है कि ये पानी में नहीं घुलती है। इसका जो महत्वपूर्ण घटक कर्क्यूमिन है, ये पानी में नहीं घुलता, लिपिड सोल्यूबल है, तो इस कारण से इसको आपको उसमें खाना चाहिए। दूध में खाएंगे तो बहुत अच्छा है। अब दूसरी बात आती है कि हल्दी को कितना खाना चाहिए, तो हल्दी आप दिन भर में आधे से एक चम्मच खा सकते हैं। छोटे बच्चे आधा चम्मच और बड़े लोग एक चम्मच खा सकते हैं, क्योंकि जितनी आप हल्दी खाते हैं उस मात्रा में कर्क्यूमिन आपके शरीर को नहीं मिलता, उससे थोड़ी कम मात्रा शरीर को मिलती है, इसलिए आप दिन भर में दो चम्मच, बड़े लोग एक, छोटे लोग एक चम्मच हल्दी आराम से खा सकते हैं। कुछ लोगों को हल्दी खाने के साथ डायरेक्ट दूध में मिलाकर खाने में दिक्कत होती है, तो वो उसमें चीनी, मिश्री, शहद मिलाकर खाएं, तो वो नुकसानदायी नहीं है। अब तीसरी बात आती है कि हल्दी के कितने प्रकार होते हैं। औषधीय गुणों में हल्दी, सामान्य हल्दी उतनी प्रभावी नहीं है, परंतु एक आमी हल्दी करके आती है, इसका कलर पीले से थोड़ा सा डार्क होता है, लाल कलर की होती है वो, और उसको आयुर्वेदिक गुण बहुत ज़्यादा है। आयुर्वेदिक गुणों में हल्दी में पहला गुण है, यह सूजन विरोधी है, कीटाणु नाशक है, भिन्न भिन्न कीटाणु, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, इन सब के विरोध में हल्दी बहुत गुणकारी है। कफ के प्रॉब्लम, लंग्स की समस्याओं में कई तरह से हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, और वर्तमान समय में हमारे भारतीय वैज्ञानिक हल्दी के नित नए प्रयोग कर रहे हैं, नए अनुसंधान कर रहे हैं, जिससे कि हम हल्दी को नए रूप में छोटे बच्चों, बड़ों या बुजुर्गों को दे पाएँ, और वो हल्दी हमारे शरीर को ज़्यादा मिले, जिससे कि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र स्ट्रांग हो और हम किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम हों। हमारी भारतीय धरोहरों को जन जन जनमानस तक पहुंचाने का मैं उनके लिए बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं चाहूंगा कि मेरे अगले और भी इम्यूनो मॉड्यूलेशंस या प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रांग करने वाले वीडियो मैं आपको, आप तक पहुंचा पाऊं, क्योंकि वर्तमान समय में जो कोरोना से एक सामान्य जन में बड़ी धारणा है कि हमारी प्रतिरक्षा कैसे मजबूत हो, और प्रतिरक्षा ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि आप आज खाएंगे तो स्ट्रांग हो जाएगा। हम अपने डेली रूटीन में, अपने खान पान में किस तरह की चीज़ों का सेवन करें, जिससे कि हमारी प्रतिरक्षा बनी रहे, क्योंकि उम्र से भी प्रतिरक्षा का प्रभाव होता है। और द इंडिया पोस्ट की इस नई अनूठी पहल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर सर्वेश, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, और
इस वीडियो से मैं आशा करता हूँ कि सभी को लाभ होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हर कोई हल्दी के बारे में जान सके। अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल का बेल आइकन दबा दीजिएगा।